हेलो नमस्कार साथियों मैं आपका साथी राजपाल फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेके आपके सामने आया हूँ बहुत ही ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एग्जाम की, की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा फतेहगढ़ फतेहगढ़ कहां पर है तो ये बाड़मेर जिले में यह भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न कोटा विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई ए है नीलिमा सिंह बी है सरिता चौधरी सी है कमला बेनीवाल और डी है अनुराधा सिंह तो इसका राइट आंसर ए होगा नीलिमा सिंह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या तीन चेंज मेकर अवार्ड 2019 राजस्थान की किस बेटी को दिया गया तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा राजस्थान की बेटी पाइल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड 2019 दिया गया ये पाइल जांगिड़ की एक इमेज आपके सामने है यह है पायल जांगिड़ पायल जांगिड़ की हम बात करें कि इनका संबंध किस जिले से है यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो पायल जांगिड़ का जो संबंध है वो राजस्थान के अलवर जिले से है और ये इनको पुरस्कार बाल विवाह को रोकने हेतु दिया गया और किसके दिया द्वारा दिया गया बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन न्यूयॉर्क के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कि आधा गिलास पानी अभियान का संबंध किस जिले से है तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा आधा गिलास पानी अभियान का संबंध भीलवाड़ा जिले से है इसकी हम बात करें तो इस अभियान की शुरुआत भीलवाड़ा जिले के जो जिला कलेक्टर है राजेंद्र भट्ट इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई राजेंद्र भट्ट की बात करें तो राजेंद्र भट्ट जो मूल रूप से निवासी है वो जोधपुर के हैं लेकिन अभी ये भीलवाड़ा जिले के जिला कलेक्टर हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है अपना राजस्थानी फिल्म ट्रेट्रल जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया इसके निर्देशक कौन है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है यह फिल्म तो इसका राइट आंसर भी होगा दिनेश यादव इसके निर्देशक है तो इस फिल्म के निर्माता की बात करें तो इस फिल्म के जो निर्माता है वो है अशोक चौधरी और टर्टल की बात करें तो टर्टल का हिंदी अर्थ होता है कछुआ अगला प्रश्न राजस्थानी महिला जो भारतीय वायुसेना की महिला यानी पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है तो वो राजस्थान की है कौन है उसका नाम है मोहना सिंह इसका राइट आंसर डी होगा ये एक मोहना सिंह की आपके सामने इवेंट फोटो आपके सामने है और मोहना सिंह की बात करें तो इनका संबंध है वो झुंझुनू जिले से यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में अगला प्रश्न आठवीं एशियन यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया तो आठवीं एशियन यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी जयपुर में किया गया अगला प्रश्न राजपूत स्थापत्य कला और जल संरक्षण महत्व वाली नौ मंजिला बावड़ी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में शामिल है तो यह नौ मंजिला बावड़ी कहां पर स्थित है ए है जोधपुर बी है जयपुर सी है अलवर डी है बीकानेर तो इसका राइट आंसर सी होगा यह अलवर में है ये इसका विशेष ध्यान रखना अगला प्रश्न राजस्थान का चौथा रोप वे कहाँ पर स्थापित किया गया ए है जोधपुर बी है जयपुर सी है अलवर डी है बीकानेर तो इसका राइट आंसर बी होगा जयपुर में ये आपके सामने रोप वे की एक इमेज दिखाई गई है जयपुर में इसका जो निर्माण है वो सामोद में किया गया इसमें देखो यहाँ पर एक बालाजी का जो मंदिर है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है तो इसके ऊपर चढ़ने में जो सीढ़ियां है इससे काफी टाइम लगता है तो इसे जो रोपू है इसके द्वारा बहुत ही कम समय पर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है अर्जुन पुरस्कार 2019 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया ए है सुंदर सिंह गुज्जर बी है दीपक चाहर सी है देवेंद्र जाजड़िया डी है इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा सुंदर सिंह गुज्जर को सम्मानित किया गया यह सुंदर सिंह गुर्जर की एक फोटो आपके सामने यह है सुंदर सिंह गुजर और इनका संबंध है बालाफेंग से और इनका संबंध जिले से पूछा जाए तो जिला है करौली अगला प्रश्न टोकियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई अजय सिंह शेखावत का संबंध है तो अजय सिंह शेखावत का संबंध है झुंझुनू जिले से इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया 2019 किसे चुना गया ए है हिमा दास बी है दीपा मलिक सी है अरुंधति चौधरी डी है भावना तो इसका राइट आंसर सी होगा अरुंधति चौधरी अगला प्रश्न राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड अम्बेसडर कौन है तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा देवेंद्र जाजड़िया तो ये देवेंद्र जाजड़िया इनका जो संबंध है वो चूरू जिले से है और इनकी जो एक इमेज आपके सामने है ये पैरा एथलेटिक है और ये एक हाथ से विकलांग है इनका संबंध भी बालाफेंग से है अगला प्रश्न हाल ही में राजस्थान में पोटास के भंडार कहाँ मिले हैं ए है बीकानेर नागौर बी है बाड़मेर जैसलमेर सी है जयपुर दौसा और डी है अजमेर तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा बीकानेर और नागौर जिले में पोटास के भंडारों की हाल ही में खोज हुई है प्रश्न संख्या पंद्रह जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2019 से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया ए है मोहम्मद आरिफ बी महेंद्र सिंह सी मोहम्मद इमरान डी कीर्ति सुरेश तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा मोहम्मद इमरान तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस जरूर लिखे साथियों। धन्यवाद जय हिंद मिलते हैं अगली क्लास में